जब अडानी और अंबानी ने ये देखा कि हिंदुस्तान में ये जो बयानबाजी हुई है, जो आपत्ति जनक टिप्पणी हुई, इसका असर अरब के देशों में हुआ है, तो उन्होंने देखा, कैलकुलेट किया कि इसका इम्पैक्ट हमारे आर्थिक स्रोतों पर होने वाला है। उन्होंने फोन घुमाना शुरू किया, रात भर फोन घुमा, सुबह तक फोन घुमाता। लेकिन जब तक किसान और मजदूर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के अंदर ये जो आवारा पूंजी, जो पूंजीवादी व्यवस्था बन गई, जो स्टेट कल्चर एक आदमी चल रही है, उससे लड़ना मुश्किल। इनका कॉन्सेप्ट है प्राइवेटाइज द प्रॉफिट एंड सोशलाइज द लॉस। अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो 4500 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं, और अगर उनको लॉस होता है तो वो गेन आउट प्लान मांगते हैं, और 5-5 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारे और आपके मेहनत के पैसे के टैक्स के पैसे का 5 लाख करोड़ रुपया हर साल इन कॉर्पोरेट घरानों को गेन आउट प्लान। लेकिन वहीं पर अगर 10,000 करोड़ रुपया या 20,000 करोड़ रुपया या 1 लाख करोड़ रुपया किसानों और मजदूरों को देना हो, तो एक पूरा नैरेटिव, एक पूरा नैरेटिव एक सेट किया जाता है मीडिया में कि इससे कितना नुकसान। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर जब बातचीत हो रही थी कि हमें एमएसपी की गारंटी कानून मांग हम कर रहे थे, तो मीडिया ने ऐसी बातें कहनी शुरू की, एक दो दिन मीडिया ने, अंबानी अडानी की मीडिया ने, कि जैसे लगा कि इतना बड़ी चीज किसान मांग लगे कहने की इस इकॉनमी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एमएसपी की गारंटी अगर दे दी गई तो इकॉनमी खत्म हो जाएगी। अरे साहब कैसे खत्म, 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया ही तो ज्यादा हम मांग रहे। हम तो कह रहे थे कि अगर आपने 2040 रुपए का जो रेट वर्तमान में आपने धान का रखा है, और अगर व्यापारी हमसे 1700 या 1600 रुपए रखे, बीच का जो है अमाउंट है, डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप हमें पे करें, इसकी गारंटी दी, और तो कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये सरकार थी, इसने पहले सुपक्ता ने बहुत अच्छी बात, उसने कहा कि ये सरकार चाहती है कि लोग इतने मजबूर बना दो, इन लोगों को इतने कमजोर बना दो कि वो कॉर्पोरेट घरानों के लिए 10,000, 15,000, 8,000, 9,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर। आज सोचिए, जब लॉकडाउन लगा था पहला, तो मैं मुंबई में, मैं देख रहा था, मैंने गणना की ऐसे ही बैठ के, वहां अंबानी के भी लोग हैं, अडानी भी वहीं रहते हैं, बाकी देश के जो सबसे बड़े फाइनेंस के मास्टर हैं या फाइनेंस के सबसे बड़े लोग हैं वो मुंबई में निवास करते हैं, तो 30 लाख करोड़ रुपए की जिनकी संपत्ति है वो लोग वहां निवास करते हैं, लेकिन एक दिन का भोजन भी मजदूरों को नहीं दिया। मजदूरों को मजबूर होकर अपने गाँव, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और जाना, उन्हीं मजदूरों के मेहनत से उनका एम्पायर खड़ा हुआ, लेकिन उन्हीं मजदूरों को एक जून की रोटी ये अंबानी अडानी ये टाटा बिरला नहीं दे पा। टैक्स का पैसे से आप बेलाव दान लोगे, आप गांव में जो पैसा जमा होगा जनधन खाते में या बाकी और खाते में, लेकिन बैंक में जाएंगे तो 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया गांव का आदमी वहां पर रखता है, लेकिन गांव का मजदूर और किसान अगर लोन लेने चला जाए तो उसे लोन नहीं मिलेगा। इतनी फॉर्मेलिटीज बता देंगे तो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर इस देश के अंदर 7-8 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ रुपया देकर लोग यहाँ से देश से चले गए, उनको पकड़ने वाला हो। ये जो नए दुनिया बनी है, ये जो आवारा पूंजी, इस आवारा पूंजी का एक एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले खबर भी आई, वो खबर छप के छुप गई, खबर पर चर्चा कम है। वो खबर ये है कि दक्षिण अफ्रीका में जेकब जुमा नाम के राजदूत हुआ करते, आज से 4 साल पहले 2018,
नौ वर्ष के शासनकाल में गुप्ता बंधु जो भारत से जाते हैं सहारनपुर के रहने वाले अतुल गुप्ता उनके अजय गुप्ता भाई है, तीन भाई कोनी गुप्ता, तीन भाई दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और इकोनॉमिक्स में टर्म है स्टेट कैप्चर, यानी राज्य पर नियंत्रण करना। राज्य पर नियंत्रण कब होगा कि जब राष्ट्र का प्रमुख ही आपके नियंत्रण और आपकी जेब। जैकब जुमा के परिवार के लोगों को वो सहारा कंप्यूटर नाम की कंपनी खोलते हैं और जैकब जुमा के परिवार के बेटे को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी, तीसरी पत्नी को और उनकी बेटी को उसमें डायरेक्टर बना देते हैं, किसी को सीईओ बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की माइनिंग का बिजनेस, दक्षिण अफ्रीका की मीडिया का बिजनेस, दक्षिण अफ्रीका के विमान का बिजनेस, दक्षिण अफ्रीका के इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस, सब मैक्सिमम जो बिजनेस था वो सब गुप्ता बंधुओं के हाथ में। लेकिन वहां पर वो एक मीडिया चैनल भी चलाते हैं, अखबार भी चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जब परेशानियां होती है तो वहां की जनता और खड़ी होती है। जैकब जुमा को इस्तीफा देना पड़ता है अपने राष्ट्रपति पद से और ये तीन बंधु वहां से भाग खड़े। भाग खड़े होने के बाद वो 200 करोड़ की शादी फिर करते हैं, वो आके यहाँ उत्तराखंड में करते हैं जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसमें अहम भूमिका है। इसके पहले 2016 में भी 2016 या 2013 में एक शादी होती है दक्षिण अफ्रीका में अतुल गुप्ता और अजय गुप्ता की भांजी की, जिसमें 200 लोग भारत से एक चार्टर प्लेन में जाते हैं, बोइंग प्लेन में जाते हैं और वहां की इतनी ज्यादा मतलब पावर हो जाता है उस व्यक्ति के पास, मतलब गुप्ता गुरुओं के पास, कि सैन्य जो जो स्थल है, जो वायु बेस है, वायुयान का बेस है, वायुसेना का बेस, वहां पर वो जहाज उतरता है, वहां पर राष्ट्राध्यक्ष को मंजूरी मिलनी चाहिए किसी को। उसके बाद वहां पर हड़कंप मच जाता है, उसके बारे में बताता हूँ, आंदोलन होता है और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। जैकब जुमा आजकल जेल में, और जैकब जुमा जेल में गए और ये दोनों भाई भाग आए, दुबई चले आए, दुबई से हिंदुस्तान में आए और आपको जान के हैरानी होगी हिंदुस्तानियों के ऊपर वहां पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर लोगों ने हमला किया। वो दक्षिण अफ्रीका जहां पर महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका जहां से रंग भेद की नीति के खिलाफ पहला आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं, महात्मा गांधी के रूप में भारतीयों की कितनी इज्जत, और आज गुप्ता बंधु वहां जाकर भारत किया क्या आयोजन होता है। ऐसा ही कोशिश हिंदुस्तान के अंदर भी चल रहा है, स्टेट कैप्चर एक यहाँ भी चल रहा है, जो अडानी और अंबानी के नाम के दो उद्योगपति भारत के अंदर। ये जो तीन बिल आए थे या फोर पोर्ट बिल आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे कि किसानों और मजदूरों को फायदा देना, वो इसलिए आ रहे हैं कि अंबानी अडानी के अकाउंट से। और प्रधानमंत्री कहते मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं बहुत मेहनत से काम करता, 8 वर्ष में मैंने बहुत मेहनत से काम किया। हाँ, आपने बहुत मेहनत से काम, लेकिन आपने 8 वर्ष में जो 18 घंटे काम करते हैं वो मत इसलिए करते हैं कि अंबानी और अडानी की संपत्ति को कैसे कैसे मैं अंबानी को और अडानी को विश्व का सबसे बड़ा विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और अडानी और अंबानी को वो सबसे बड़ा वीर बनाना चाहते हैं, ये हमारे लिए क्या समस्या है। ऐसी लड़ाई श्रीलंका में राजपक्ष ने भी सिंगली लोगों के अंदर एक प्राइड की भावना कराई कि आप लोग बहुत प्रभुत्व होंगे, मैं बहुत बड़ा शासन काल लाऊंगा, इसमें बौद्धों की बहुत बड़ी प्रभुत्व होगा, जैसा हिंदुस्तान के अंदर और सिंगली कमीटों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, राजपक्षे को वोट देने लगे, दोला भर भर के वोट दिया। आज हालात श्रीलंका में आप देखिए, वही सिंगली और वही कमीटो कल तक करते थे, आज इकट्ठे होकर राजपक्षे का इस्तीफा मांगा, छोटे भाई बड़ा भाई शायद इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री दे दिया, राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगा। नीतियां कैसे बनाई जाती हैं, नीतियां कैसे बनती है, हम तो ये जानते थे कि नीतियां संसद के अंदर बनाई जाती है, लेकिन आज के दिन में नीतियां जो है वो अंबानी अडानी के ऑफिस में बनी है।
नीति और नीति आयोग कौन होगा। हमको लगता है कि जो अभी कुछ दिन पहले नुकुल शर्मा और उनकी जो मामला था, हमको लगता है कि अरब देशों के मात्र राजदूत भारत के राजदूतों को बुलाने के कारण नुकुल शर्मा को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री और या भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया। नहीं, अडानी की कंपनी का एक मतलब अडानी का एक भाई दुबई में एक कंपनी रजिस्टर करता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी सामान अगर अडानी भारत में लाता है तो पहले वो वाया दुबई जाता है, दुबई से रेट पटाकर हिंदुस्तान 65% जो कच्चा तेल वो रिफाइनरी जो अंबानी चलाते हैं जामनगर की, उस रिफाइनरी में 65% तेल सऊदी अरेबिया से और बाकी गल्फ कंट्री से आता है। जब अडानी और अंबानी ने ये देखा कि हिंदुस्तान में ये जो बयानबाजी हुई है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई, इसका असर अरब के देशों में हुआ है, तो उन्होंने देखा, कैलकुलेट किया कि इसका इम्पैक्ट हमारे आर्थिक स्रोतों पर होने वाला है, तो उन्होंने फोन घुमाना शुरू किया। रात भर में फोन घुमा, सुबह तक वो दोनों प्रवक्ता था। तो कहते हैं राजा की जान तोते में, अगर हमको भी कोई नीति अपनी मनवानी है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा किसान आंदोलन के दौरान हुआ। हमने किसान आंदोलन के दौरान जियो का बहिष्कार किया, 1 करोड़ में जानकर भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी 1 करोड़ यूजर जियो से हट गए। जब नुकसान शुरू होता है कोई बड़े बड़े व्यापारी सरकार के पास जाते हैं, कानून से भैया ये तो आपके कानून है, हमें नहीं है, हमारा नुकसान होता है। इस देश के अंदर मजदूरों को हायर एंड फायर करने की जो नई प्रथा शुरू होने वाली है, जो अघोषित इमरजेंसी का जो ये काल है, स्टेट कैप्चर है, वो चलता रहेगा जब तक जनता उठकर खड़ी होकर खड़ी होगी। उसके लिए हमें एकताबद्ध होना, एकताबद्ध हम ना हो इसकी कोशिशें शुरू हो जाती। सुबह से हिंदू मुसलमान दंगल हल्ला बोल ये कार्यक्रम आते हैं और हम टीवी खोल के अभी हम यहाँ भाषण देंगे, आप सुनेंगे, फिर जब आप घर जाएंगे फिर वही टीवी उल्लू का बॉक्स खोल कर बैठ जाएंगे, अंजना कश्यप को देखेंगे, किसी और को देखेंगे, शिवराज पार्टी को देखेंगे और मुर्गा राजनीति देवगन को देखेंगे, मुर्गा लड़ने का काम होगा। फिर हम यहाँ से तो हम मजदूर बनकर आते हैं, किसान बनकर आते हैं, जब हम घर पहुंच जाते हैं फिर हम वही अपने अपने आने वाले में बढ़ते हैं। पहला काम अगर आपको करना तो टीवी देखना पड़ेगा, ये समाचार जो आ रहे हैं चैनल उसमें जो खबरें उस पर विश्वास करना बंद कर। जिस दिन आपने समाचार चैनल देखना बंद कर दिया तो उस दिन से और अपने लोगों की बात सुनना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए आपकी आधी समस्या का समाधान हो चुका। लेकिन जब तक किसान और मजदूर इकट्ठा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अंदर ये जो आवारा पूंजी जो पूंजीवादी व्यवस्था बन गई है, जो स्टेट कैप्चर इकॉनमी चल रही है, उससे लड़ना मुश्किल, लड़ नहीं पाना। लड़ने के लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़े। आप लोगों ने बड़ा हमारी मदद की, जब किसान आंदोलन चल रहा था 3 या 4 बार मेरे हिसाब से भारत बंद हुआ था, उसमें मजदूर संगठनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं सीधे खड़ा हूं आपका धन्यवाद देने आया हूं किसानों की तरफ, मैं प्रवक्ता हूं भारतीय किसान यूनियन असेंबली का, मैं इसलिए किसानों की तरफ से धन्यवाद देने आया हूँ मजदूर संगठनों का कि आप लोगों ने हमारी लड़ाई को लड़ा और हम भी आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं।